أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين डिलाइट एच टी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आज न्याजी इंटरचेंज कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे की जगह पर मौजूद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस मनसूबे के लिए बोर्ड वगैरह आवेदा हो चुका है और पहले से ही निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब इसका इफ्तिताह भी कर चुके हैं, जबकि अभी तक इस मनसूबे का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी के बारे में आपको आगाही फराहम करेंगे। चलिए विज़िट करते हैं और इस के ऊपर ले हिस्से का इसके जो है कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे का आपको विज़िट भी करवाते हैं और मुख्तलिफ मनाज़िर जो है वो नीचे के भी शेयर करते चलेंगे साथ साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस टाइम भी देख सकते हैं कि निचला हिस्सा जहाँ पर सर्विस रोड का मीट किया जाना है, जिसके लिए जो है सब वेज वगैरह जो है इसके नीचे कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे के नीचे सब वेज तमीर किए गए हैं, जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ट्रैफिक के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा चूँकि अभी आप नीचे से नहीं इसके वो सब वेज वगैरह देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको ऊपर का विज़िट ज़्यादा करवाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोड के ऊपर लाइनिंग वगैरह जो है वो लगा दी गई है और इस जगह के ऊपर जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह भी जो लाइटिंग के हैं वो भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि ये मनसूबा जो न्याजी इंटरचेंज से सगियाँ तक का है ये तकरीबन 3.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि ये टोटल मनसूबा जो है न्याजी इंटरचेंज से सगियाँ तक और सगियाँ से आगे बाबू साबू तक ये टोटल मनसूबा जो है ये तकरीबन 7.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा माजी में यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है नीचे आप जो रोड देख रहे हैं यही इसका रिंग रोड का हिस्सा हुआ करती थी। इस जगह पर रिंग रोड होने के बावजूद नाज़रीन माजी में जो है ट्रैफिक जो है वो तातुल का शिकार ही रहती थी। उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि इस हिस्से के ऊपर रिंग रोड के हर तरह की ट्रैफिक जो है वो आ सकती थी, जैसे कि मोटरसाइकिल गधा गाड़ी और हैवी ट्रैफिक वगैरह हर चीज़ जो है इस रिंग रोड से गुजरती थी, जिसके बाद जगह जगह के ऊपर इसकी ट्रैफिक जो है तातुल का शिकार रहती थी। अब जबकि ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे का काफ़ी काम जो है कंप्लीट हो चुका है, इसके हिस्से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहले हिस्से का जो न्याजी इंटरचेंज से सगिया तक का है, तो आने वाले दिनों में इस रोड के ऊपर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है, जैसा कि मोटरसाइकिल वगैरह भी और रिक्शा वगैरह भी अभी तो गुजर रहे हैं, लेकिन जब यह मुकम्मल तौर के ऊपर नीचे दोनों साइड के ऊपर जो सर्विस रोड बनाया जा रहा है उसकी बहाली का काम हो जाएगा और इसके अलावा जो है ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इस रोड के ऊपर सिर्फ जो है हैवी ट्रैफिक और फोर व्हील गाड़ियों को ही गुजरने की इजाज़त होगी, उसके बरक्स जो है मोटरसाइकिल वगैरह और रिक्शा वगैरह इस रोड के ऊपर आप नहीं देखेंगे। और वैसे भी इसकी सतह को ज़मीन की सतह से जो है पुरानी रोड के सतह से 13 फुट बुलंद रखा गया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और कई जगहों के ऊपर ये रोड जो है पुराने रिंग रोड के लेवल के ऊपर ही आपको नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर रवि का पुल के पास अगर आप जाएँ तो उस जगह के ऊपर आपको ये ग्राउंड नज़र आएगा और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो सगियाँ जो फ्लाईओवर गुजरता है उस जगह के ऊपर, चूँकि फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरना इसका नामुमकिन था इसलिए वहाँ पे इसे पुरानी रोड के ऊपर ही ग्राउंड कर दिया गया और उस जगह के ऊपर जो है नई कारपेटेड खूबसूरत रोड जो है वो तमीर की गई है। लेकिन साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मशीनरी वगैरह आपको नज़र आ रही है जो इसकी सर्विस रोड का काम जो है उसमें मुकम्मल करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक उस जगह के ऊपर कोई खासी काम जो है वो तेज़ी नहीं उसने पकड़ी है। तो इसी तरह से अगर इसके कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबे के ऊपर के हिस्से के ऊपर आप देखें तो वहाँ पर भी काम जो है अभी थोड़ा बहुत होना बाकी है। ये निचले हिस्से के मनाजिर आप देख सकते हैं, यह ड्रेन सिस्टम जो है काफ़ी जगह के ऊपर उसे पुराने को जो है वो तोड़ दिया गया और नया डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम जो है उसके शटरिंग वगैरह और उसके सरिये के वगैरह जो है इंस्टॉल करने के काम चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर जो है इसकी मरम्मत वगैरह जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये बाउंड्री वॉल वगैरह की मरम्मत लगाई जा रही है, उसी के लिए जो वर्कर वगैरह भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वो कराहियों के अंदर जो है मसाला वगैरह यहाँ से तैयार करके जो जहाँ जहाँ मरम्मत दरकार है वहाँ पर वो इसका काम सर अंजाम देने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मजदूर वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं और कुछ काम करने में मसरूफ़ हैं। ये कराही के अंदर आप मसाला देख सकते हैं,
ये इसी को बनाकर जो इसकी मरम्मत वगैरह लगाई जा रही है उसके लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये काम चल रहा है। अब जबकि ये मंसूबा तकमील के अपने आखिरी मराहिल की तरफ है, अब नीचे वाला रोड जब बहाल हो जाएगा फिर ही हम मुकम्मल तौर पर बता सकेंगे कि यह मंसूबा कामयाब रहा इनका या नाकाम रहा। लेकिन खतीर रकम खर्च कर दी गई है और अगर इसकी नाकामी हुई तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और पाकिस्तान के वो इदारे जो इसमें इन्वॉल्व जैसे LDA वगैरह और दूसरे जो इदारे वगैरह जो इसके ऊपर काम करते हैं NSPAC वगैरह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान होगा। चूँकि खुद ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके ऊपर के हिस्से का काम जो है वो जो चल रहा है इसी की बहाली हो, नीचे जो साइड लाइन के ऊपर जो रोड जहाँ से आम ट्रैफिक में गुजरना है उसको भी मंसूबे को मुकम्मल तौर पर कामयाब होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।